आप सबों को मसीह अभिवादन, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में, जो भी जहाँ से भी सुन रहे हैं आप सबों को हम मसीह अभिवादन बोलने चाहता हूँ। मेरे प्रियो, लास्ट टाइम हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे थे प्रेरितों के काम में, उसके बाद हम लोग सुन रहे थे सही में हम लोग एक बीज के समान है। बीज जब तक जमीन में पड़ के मर ना जाए दूसरा पौधा नहीं उगता। उगने के लिए, फल लगने के लिए बीज को सड़ना जरूरी है। मेरे प्रिय आप और मैं, हम लोगों का जीवन में यदि आशीष पाने चाहते हैं तो अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान करना होगा। बलिदान सिंस आपका कार्य के लिए, बलिदान हो सके आपका काम के लिए। हम जानते हैं आप लोगों का काम में, आप लोगों का बुटीक में बहुत सारी, आज लगन का टाइम है, बहुत सारे कपड़ा आए होंगे सिलाना था। हो सके आज का दिन आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, हो सके आज का दिन आपका काम अच्छा चल रहा था। उसको कुछ क्षण के लिए बंद करके आना, उसको बलिदान बोलता है। हालेलुया। यदि आप अपना दुकान में, अपने व्यापार में, अपना ड्राइविंग में आप आशीष पाने चाहते हैं तो मेरे प्रियो आपको बलिदान होना होगा, बलिदान करना होगा आपका समय को, आपका कार्य को। यही लास्ट समय हम लोग सुन रहे थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में पावर ऑफ द क्रस, क्रूस का सामर्थ्य के बारे में कुछ बातें करने चाहता हूँ। आइए मेरे साथ खोले पहला कुरिन्थियों की पुस्तक एक अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक एक अध्याय 18 से लेके 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। एक अध्याय कोई भी पढ़ दीजिए, हालेलुया, सबको निकला होगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक एक अध्याय 18 से 24, क्योंकि क्रूस की कथा ना सुने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, यूनानी लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। हम तो क्रूस में चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है अन्य जातियों का निकट मूर्खता। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ाई सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष करें। आइए हम लोग दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा जीवित जिंदा वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन के द्वारा जो भी बोलने चाहता बोल प्रभु, सुनने वाला हरेक के हृदय में तू कार्य को कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू हमारा शिक्षक मददगारी, यीशु का नाम आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह हम लोग ने पढ़े, भाई के साथ साथ मैंने दोहराए। यहाँ परमेश्वर का वचन यह बोलता है, क्रूस का कथा, क्रूस का संदेश नष्ट होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन बुद्धिमान के लिए क्या है? ज्ञान और बुद्धि है। मेरे प्रियो आप जानते हो, क्योंकि यहाँ बोलता वचन सुनिएगा, नाश होने वालों के लिए मूर्खता। कौन किसके लिए कौन नाश हो रहे? परमेश्वर का वचन यह कहता, जो यीशु को प्रभु नहीं कहता वह उद्धार नहीं पाया, जो यीशु को प्रभु कहता घोषणा के द्वारा उसका क्या हुआ? उद्धार हुआ। लेकिन यह बोलता
नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहने चाहता हूं मेरे प्रियो, क्रूस का संदेश या क्रूस का कथा परमेश्वर ने आज्ञाकारी होकर अपने आप को इनकार करने का कथा है। परमेश्वर में समर्पित होते हुए अपने आप को इनकार ना, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। आप देखे होंगे बड़ा बड़ा भूत बंगला में, फिल्म में आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा भूत जगह में हीरो क्रूस पहन के चलता है, दिखाता है क्रूस में सामर्थ, क्रूस का ताकत को दिखाता, भूत भी क्रूस को देखते हुए भाग जाता। आप जानते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कोई जगह में हम लोग क्रूस देखने से हाँ या मंडली है क्या हमको साइन एक चिन्ह के रूप में, लेकिन कई लोग क्रूस को देखने से जलता है। इसलिए यह वचन इसलिए कहता है मेरे प्रियो, लेकिन आप और मेरे लिए क्रूस क्या है, परमेश्वर में आज्ञाकारी होकर अपने आप को इनकार ना। हालेलुया। कोई कई गांव में हम लोग जानते हैं क्रूस बनाया हुआ होता गेट में, आसपास का लोग लोगों को अच्छा नहीं मानते, अपने आप को इनकार कर दिए, अपने आप को इनकार लिए, अपने आप को वो लोग मैं मसीह में हूँ उसका आज्ञा को मैं पालन करता, मैं कुछ भी नहीं हूं बोल के वहां कहता है। ये एक संदेश है। दूसरा, यीशु के समान हमें निंदा और मृत्यु तक ले जा सकता है, यह आप पर हम जानते हैं मेरे प्रिय। यीशु के समान यीशु को क्या किया, यीशु ने कभी गलती किया था? गलती यह किया था, गूंगे को बोली दी, 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, मुर्दा लाजस को जिंदा किया, अंधे बर्तिमाई को आंख दिया, गलती बहुत किया, यही है उसका गलती। लेकिन उसको क्या किया लोगों ने, कलवरी के क्रूस में चढ़ाया। पत्थर मारने वाले कौन थे मेरे प्रिय? वही लोग थे जो रोटी खाए। सावधान रहना होगा, इसलिए जब क्रूस का कहानी को हम लोग बोलते हैं ना, अभी हम लोग इस समय आप और हम गुड फ्राइडे का समय में, लैंड का टाइम में, प्रेयर का समय में, आने वाला कुछ दिनों के बाद हम लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं। पहला नंबर क्रूस, हम लोग अपने आप को परमेश्वर में आज्ञाकारी बनते हुए इनकार करते हैं, तब तो दूसरा नंबर क्रूस आप और मुझे यीशु का समान निंदा करते हुए मृत्यु तक जाने वाला एक कारण बन जाता है। हालेलुया। यदि क्रूस को साथ देने का मतलब यीशु को साथ देना, क्रूस को मानने का मतलब यीशु को मानना, इसका मतलब यीशु का समान निंदा आप और मुझे करेंगे, यीशु का समान मृत्यु तक जाना पड़ सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम क्रूस का संदेश लेके आपके पास में आए कि क्रूस का साथ वाणी नहीं है। और दूसरी बात, जो मृत्यु है ना वो विनाश की ओर नहीं लेकिन परीक्षण की ओर लेके जाता है आप और मुझे। जब लोग निंदा करते हैं, परीक्षा में हम लोग फंस जाते हैं, वो परीक्षण के लिए मेरे को, हम लोग को जाना तो है उस जगह जहां मेरा प्रभु है। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो खोले मरकुस रचि सुसमाचार, मरकुस रचि सुसमाचार 8:34-35, जिसको मिला पढ़ दें, इंतजार ना करें। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर, उसने यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आने चाहे वह अपने आप से इनकार करे, जो आने चाहे ना वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार, जो मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा, वह उसे बचाएगा। हालेलुया। हम बोल चुके हैं क्रूस का कथा यही है, क्रूस का कहानी यही है, अपने आप को इनकार करना परमेश्वर का आज्ञाकारिता में रहकर। यहाँ बोलता जो कोई मेरे पीछे आने चाहता है वह अपने आप को इनकार करे,
मालूम है लास्ट टाइम हम बहन के साथ बोल रहे थे आपके दुकान में कोई हम लोग का बहन लोग आई थी, मतलब जय मसीह बोले आप जय मसीह नहीं बोले, तब बाद में बोले हम सुनबो ही नहीं ना। मेरा कहने का मतलब अपने आप को क्या करना है, हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए, चाहे आपके साथ कोई हो कहीं भी आप लोग क्यों ना हो, जय मसीह की भैया नमस्कार भैया आप लोग बोल देते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, हालेलुया। अपने आप को इनकार करना है, यहाँ बोलता मैं मसीह का खाते कुछ भी नहीं, मेरे जीवन में मसीह है, इसलिए यहाँ वचन बोलता जो कोई मेरे पीछे हो लेने चाहे वो अपने आप को क्या करे, इनकार करे। दूसरा जगह में बोलता मेरे प्रियो जो मेरे पीछे बोले वो हल्का क्या बोलता उसको, हल्का पकड़ के पीछे ना मुड़े। इसका मतलब क्या है, आज विश्राम का दिन प्रभु बोलता छह दिन काम करो सातवें आज तक काम करने जाना है। मेरे प्रियो जो व्यक्ति ऐसा करता है उद्धार पाए नहीं है, मेरा बात सुनिए, उसका जीवन में शांति नहीं होगा, वो प्रभु से ज्यादा अपना जीवन का चिंता करता और जिंदगी में वो दुख ही दुख में वो फंस जाता, क्यों, क्योंकि वो प्रभु को जानते हुए प्रभु को इनकारता है। वचन बोलता अपने आप को इनकारना है, छह दिन प्रभु ने आप पर मुझे काम दिया है, प्रभु छह दिन आप पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, इमरजेंसी दूसरी बात है, हालेलुया। लेकिन कोई के लोगों का पूरा पाँच दिन सो जाते हैं, छह दिन सातवां दिन या संडे का दिन लोगों का काम आता है, शैतान बहुत चलाक है मेरे, आप पर मुझे कैसे प्रभु में नहीं बढ़ने देना बोल के। इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, यहाँ परमेश्वर का वचन दूसरे में यह बोलता है मेरे प्रिय, जब आप पर हम इनकारी होते ना परीक्षण के लिए होते हैं, हमने बोल चुके हैं, और यह पुरुष का कथा जो है यहाँ वचन बोलता है कुरंथी का पुस्तक में यहूदियों के लिए क्या है, मूर्खता है, यहूदी के लिए क्या है, रुकावट है, ग्रीक या यूनानी के लिए मूर्खता है, क्यों, क्योंकि यूनानी लोग ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, वो लोग विद्वान थे, उन लोगों के लिए मूर्खता, मरा हुआ यीशु जिंदा होता क्या, चोरी करके लेके गया होगा, विश्वास ही नहीं करते थे क्योंकि विद्वान लोग थे वो लोग यूनानी लोग, उन लोगों के लिए मूर्खता। लेकिन यहूदी लोगों के लिए, अरे यहूदी का अपना था ब्राह्मण का जैसा अपना सब कुछ परंपरा, यीशु आके बोलता सब कुछ समान हो गया, रुकावट हो गया, जो कोई यीशु को मानते वो लोग यहूदी मत से अलग हो गए, और उन लोगों के लिए क्या बनाए, रुकावट। मेरे प्रियो बहुत बार आप पर हम मसीह में हैं, हम लोग अपने आप को ब्लॉक रखते हैं, लोग आप पर मेरे साथ बोल नहीं पाते हैं, हम लोग का दरवाजा हरदम बंद होता, हम लोगों के साथ बातचीत कर नहीं सकते, कारण हम लोग अपने आप में रुकावट, लज्जा शर्म इज्जत मान हर एक चीज आप पर मेरा बाधक बन जाता है। इसलिए आज मैंने क्रूस का कहानी को लिए मेरे प्रियो, और यह क्रूस का संदेश जो रुकावट होती ना उन लोगों को तोड़ने के लिए है मेरे प्रियो। लेकिन हम जो विश्वास करते हैं यह कथा या यह संदेश एक सामर्थ्य और बुद्धि है, हालेलुया, विनाश होने के लिए ना, विनाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि आप पर हम लोग विश्वास करते हैं एक दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा, एक दिन न्याय के आगे जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म मानने वाले लोग क्यों ना हो, स्वर्ग एक ही है, नरक एक ही है, जाने का रास्ता अलग करे लेकिन न्याय में बैठना भी एक ही है, हालेलुया, और जीवन का पुस्तक भी एक ही है। उस दिन विनाश की ओर जाने वालों के लिए अभी मूर्खता होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो वाट इज द पावर ऑफ द क्रस, क्रस का सामर्थ्य क्या है, क्रूस का सामर्थ्य क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी। आने वाला गुड फ्राइडे में सात वाणी यही कलीसिया से भी होती है, हम लोग सुनते हैं उस समय, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन उस सामर्थ्य क्या है। आइए मेरे साथ रोमियो की पुस्तक, रोमियो 5:12, रोमियो 5:12, इसलिए जैसे एक मनुष्यों के द्वारा पाप जगत में आया और पाप द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्य फैल गई, हालेलुया। सुनिए, एक मनुष्यों के द्वारा क्या आया, पाप आया, अब पाप में मृत्यु आ जाई, अमृत्यु सब में फैल गया।
आपन मैंने पाप नहीं किए थे। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे राजू भाई का घर में, छोटा बच्चा क्या पाप करता है, कुछ पाप किया हुआ है नहीं, लेकिन वचन कहता है पापी है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो हम आपको पुराना हिस्ट्री में, इतिहास में लेके जाने चाहते हैं। परमेश्वर ने जब जगत का सृष्टि किया उसके बाद उसने आदम को बनाया, हव्वा को सृष्टि किया और आज्ञा दिया था सब फल खा सकते हो लेकिन बहुत बुरे और भले ज्ञान का पेड़ का फल नहीं खाना। जो चीज परमेश्वर ने मना किया वही चीज ही लोग कर लिए। जब हव्वा ने खा ली, पति को भी दे दी और इन लोग का आंख खुलता, पहला अंधा तो प्रभु ने नहीं बनाया था, इसका मतलब आत्मिक आंख खुल गया। पहले आत्मिक आंख था, अभी शारीरिक आंख खुला। एक दूसरे नांगे देखने लगे और लज्जाने लगे, किसी का पेड़ का पत्ती तोड़ के लोग कपड़ा बनाने लगे लंगोटिया। तो उसके बाद वही पाप में इंसान पैदा होने लगे, परमेश्वर का श्राप आया। परमेश्वर ने कहा हव्वा तू गर्भवती होगी, दुख के साथ तू बच्चा जनेगी, और सांप को भी बोला तू पेट का मारे घसरे का मिट्टी चाटा करेगा। पुरुष को बोला तुझे सारा चीज रेडी करके रख दिया था बगीचा में, अभी तू जे तूने तेरा पत्नी का बात को मान के पाप किया इसलिए तू अभी पृथ्वी तेरे लिए अंगारे कांटे उगाएगी, तू पसीना का फल खाया करेगा, तो भी तू अपना बाल बच्चा पत्नी सबको देखना पड़ेगा। हालेलुया, सांप आ गया, पाप आ गया, यही पाप में बच्चा पैदा हुए। परमेश्वर का बेटा आदम का संतान केन और हाबिल अपने आप में फाइट किए। हाबिल का कुछ चढ़ावा परमेश्वर ने बलिदान को ग्रहण किया, केन का नहीं, केन गुस्सा किया और अपना भाई को मार डाला, पाप। और वचन यह कहता है मेरे प्रियो, वचन यह कहता भजन संहिता में दाऊद कहता मेरी माँ ने मुझे पाप में गर्भ धारण किया और मैं पाप में ही पैदा हुआ, इसलिए मुझ में पापी स्वभाव है, इसलिए मैं पापी हूं, ना कि मुर्गी मार के मछली मार के पापी बना। हालेलुया, सुनिएगा, इसीलिए आप और हम पापी हैं क्योंकि पापी स्वभाव में पैदा हुए। तब तो पाप, यहां वचन बोलता एक इंसान के द्वारा पाप आया और वही पाप मृत्यु को लेके आई। आइए मेरे साथ पढ़े, आदम से शुरू हुआ पाप, वही पाप में सभी लोग पैदा हुए थे और इसलिए आप और मुझ में पापी स्वभाव है। रोमियों की पुस्तक 3 अध्याय रोमी 3:23 पर, 3:23 रोमी थोड़ा रोमी 3:23 पढ़े, इसलिए कि सबने पाप किया है, हालेलुया, सभी ने पाप किया इसलिए परमेश्वर का महिमा से रहित है। पापी इंसान परमेश्वर को खुश बना नहीं सकता मेरे प्रियो, हालेलुया, पापी इंसान आप पर मुझे छुटकारा दे नहीं सकता मेरे प्रियो, खैर एक माध्यम बन सकता है। सुनेगा, इसलिए यहां बोलता सब में पाप किया है तो परमेश्वर का महिमा से रहते। 10 पद पढ़े, इसी का 10:3 जैसा लिखा है कि, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, हालेलुया, कोई मेरे पीछे बोले कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, इसका मतलब धर्मी है ही नहीं पृथ्वी में। तो सबने पाप किया है, मेरे पीछे बोले सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, और परमेश्वर का महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, एक पापी इंसान परमेश्वर को खुश बना नहीं सकता, हालेलुया, इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता एशिया की पुस्तक 59:2 पर, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हुए हैं, बोलता मेरे प्रियो, एशिया के पुस्तक में बोलता पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हुए हैं, हालेलुया। और सुनिएगा, सौपदेशक 3:11 बोलता सभी में अनंतता होती है,
हम लोग को अनंत में जाना है, अनंत मृत्यु अनंत जीवन। हालेलुया। एशिया का पुस्तक किसी को मिला? पढ़े जोर से। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका फेस ऐसा छिपा है वो तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनता बोलता। मेरे प्रिय देखिए, हमारा पाप के कारण, इंसानों के पाप के कारण परमेश्वर हमसे नहीं सुन रहे। आमेन। तो यहाँ परमेश्वर का वचन यह बोलता है मेरे प्रियो, इंसानों का पाप के कारण परमेश्वर हम लोग से छिपता है, लेकिन सौ प्रतिशत में 3:11 में बोलता है वह अनंत अनंत परमेश्वर है। आइए रोमी का पुस्तक 6:23 बोलता, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। यहाँ तक हम लोग क्लियर हुए, इंसान ने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, और अभी आके यहाँ बोलता पाप का मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, पापी बन गया, परमेश्वर से बातचीत कर नहीं सकता। अभी आके बोलता पाप का मजदूरी मृत्यु है। आपके घर में काम करने वाला का मजदूरी क्या देते हैं आप? क्या देते हैं? आपका टेलरिंग में काम करने वाले आदमी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं हम लोग, दिन भर का पैसा देते हैं। किसी का मजदूरी हम लोग काम करेंगे, अभी पटना में 500 से 800 रुपया दिन का लेता है मजदूरी। तो सुनिए, लेकिन पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। लेकिन मेरे प्रिय, शारीरिक मृत्यु का बात नहीं कर रहे। आप याद करें, पास्टर जी मृत्यु बोल के यहाँ बोला, बाइबल ऐसा बोलता बोल के मत कहें। शारीरिक मृत्यु नहीं, लेकिन आत्मिक मृत्यु का बात कर रहे। आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर के साथ का संबंध टूट जाना। सुनिएगा, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता, अनंत मृत्यु का बात कर रहे। हम लोग परमेश्वर के साथ का संगति टूट जाता है, जिंदा है लेकिन मुर्दा का समान, कुछ भी नहीं, किसी के लिए भलाई करने का नहीं है। हमारा मुख से भलाई नहीं निकलेगा। और तुम जानते हैं ना, आप कई लोगों को वैसा परिस्थिति आता है, लेकिन शैतान ने मनुष्यों को पाप के द्वारा मृत्यु में ले जाने का कारण यही है मेरे प्रियो, आज्ञा उल्लंघन के कारण। हालेलुया। आज बहुत सारे घर परिवार में आज्ञा उल्लंघन का कारण परिवार में झगड़ा होता है, अशांति होता है। मेरे प्रियो याद करें, क्योंकि कोई भी संसारिक मनुष्य इस भयंकर पाप से छुटकारा दे नहीं सकता, पापी इंसान छुटकारा दे नहीं सकता। इसलिए योना 3:16 कहता मेरे पीछे बोले, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हम लोग क्रूस का बात करते हैं ना, ये पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह बन के आया परमेश्वर अपना पुत्र के रूप में, और यीशु ने आप और मेरा जैसा गरीबी का हाल में पैदा हुए, एक बड़ई का घर में, शर्मा जी का घर में, मकान में बड़ई काम किए उसने, और उसके बाद क्या किया मालूम है? 30 साल होते होते वो जो काम के लिए आए थे वो काम उसने, जल का दीक्षा लेने के बाद 40 दिन उनको बात समय की, बहुत सारे परीक्षाएं हुई, उसके बाद उसका मिनिस्ट्री शुरू होता है। हालेलुया। उस दौरान 3 साल में उसने अपना चेलाओं को बुलाया, प्रभु का चेला कहाँ ट्रेनिंग किया है बोलता ना लोग, 3 साल एस के साथ BTH किए हुए, 3 साल तक वहाँ ट्रेनिंग किए, डिग्री प्राप्त किए हुए, 3 साल तक प्रभु के साथ में रहते थे। मछुआरे लोग थे कोई, ज़्यादातर लोग अपना मछली मारने वाला पेशा को छोड़ते हुए यीशु के पीछे हो लिए, मछली को छोड़ दिए उन लोग, ऐसे चले गए। और कोई लोग डॉक्टर भी थी, कोई लोग अपना अपना काम करने वाला, कोई क्या बता ट्रेजरर का काम करने वाला, बहुत सारे लोग थे मेरे प्रियो।
साधारण लोगों को इसलिए चुना ताकि साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत का कार्य कर सके। हालेलुया। तब यीशु उस समय का नियम था, क्रूस का कहानी हम क्यों बता रहे हैं, कोई भी पाप करता राज दंड का स्वरूप मृत्यु क्रूस में दिया जाता था। हालेलुया। लेकिन भविष्यवाणी में हर एक धर्म का शास्त्र में क्रूस का कहानी लिखा हुआ है। जो धर्मी व्यक्ति आएगा, धर्मी व्यक्ति को लकड़ी के ऊपर में मरना होगा, हम श्लोक नहीं बता रहे हैं। अब मरने के बाद उसका खून के द्वारा सारा चीज पवित्र माना जाता है। मालूम है यीशु आने के आगे क्या किया परमेश्वर ने, इंसान ने पाप कर लिया और उसने बोला आहा पाप के बदले क्या करें, परमेश्वर ने पहली बार हिरण को मारा और इन लोगों का कपड़ा बना दिया और उसके बाद जो भी पाप करे, एक भेड़ बकरी मुर्गी कुछ भी लेके जाना है जिसे कोट न हो, गरीब दुखी है एक दो गोतिया लोग मिलके परिवार मिलके लेके जाना है और परमेश्वर के भाव में लगे बलिदान चढ़ाना, इस साल पाप किया लेके जाना चढ़ाना, वो खून से ला जाता है ना, और साल होते होते ही दिखाई देगा, फिर आने वाला साल दूसरा भेड़ को लेके जाना है, बकरी को लेके जाना, फिर बहुत कठिन था मेरे प्रियो बलि प्रथा। आप जानते हैं बलिदान देने वाला प्रथा, हत्या का प्रथा। तब परमेश्वर ने निर्णय किया अपना पुत्र को यीशु के रूप में इस संसार में आने के लिए, तब यीशु आए और सदा के लिए वो कलवर के क्रूस में चढ़ गए। नियम था उस समय का, रूल था, व्यवस्था था, लेकिन परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हुआ। क्रूस में वो चढ़ के नहीं रहे मेरे प्रियो, क्रूस में जब वो चढ़े उसका तीन दिन तक वो तीन दिन रात कब्र के नीचे रहे और उसके बाद वो मृत्यु में से जी उठे। आने वाला दिन हम लोग कहेंगे, आने वाला दिन हम लोग देखेंगे वैसे मृत्यु में से जी उठे। उठने का 40 दिन के बाद वो फिर लोगों का देखते हुए स्वर्ग प्रस्थान किए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो क्रूस का सामर्थ्य बहुत सामर्थ्य है। जब हम लोग क्रूस का सामर्थ्य के बारे में याद करते हैं तो आप और मेरा जीवन को इनकारी का जीवन में लेके जाना होगा, आप और मेरे जीवन में आशीष पाना है तो अपने आप को इनकार करके आगे बढ़ना होगा मेरे प्रिय। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का इस समय, आपको मैं यही बोलने चाहता हूँ, यदि आप और हम यीशु के पीछे हैं तब तो अपने आप को ना देखें, यीशु को देखें। और वो क्रूस में मरा हुआ यीशु क्रूस में नहीं है, मृत्यु में से जी उठ चुका है और स्वर्ग प्रस्थान किया, परमेश्वर पिता का राइट हाथ दाहिना हाथ में एक दिन हुआ।